खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर और उन्हें तुरंत नियुक्ति दिए जाने को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार से आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि सिंधिया जी इन्हें अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतरने वाले थे। कांग्रेस देखना चाहती है कि वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते हैं या फिर किसी और माध्यम से। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की रैली को लेकर उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कोरोना महामारी में जनता को भगवान के भरोसे छोड़ने पर शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान बड़ा मुद्दा रहा, सरकार इस मुद्दे पर चली गई। सिंधिया जी कहते रहे सड़कों पर आऊंगा, कमलनाथ जी भी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी, खासकर शिवराज सिंह चौहान और उससे महत्वपूर्ण आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को जब हमारी सरकार थी, हमारी नियत थी कि उनके लिए हम कुछ करें, हम उनको नियमित नहीं कर पाए पहले चरण में, तो स्थायित्व लाएं किसी भी रूप में, और उसका प्रयास कमलनाथ जी लगातार कर रहे हैं। ये लोगों को भड़का रहे थे, आंदोलित करा रहे थे, उनके आंदोलनों में जा रहे थे, भाषण दे रहे थे और कमलनाथ जी को कोस रहे थे। अब इनके इनको सांप क्यों सूंघ गया जो सत्ता में आए हैं पिछले दरवाजे से? अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। 50-50 लोग, 28-28 लोग मौत के गाल में, बेरोजगारी और पैसा नहीं मिला इसके कारण, तनख्वाहें नहीं मिली इसके कारण आत्महत्या पे चले। अतिथि शिक्षक लगभग 60 चले गए, अतिथि विद्वानों की भी संख्या बढ़ रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये सब दृश्य चित्र ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, सबक सिखाएगा। और ज्योतिराय सिंधिया जी ग्वालियर अभी 2-3 दिन में है, वो सड़क पे कैसे आएंगे? अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक के लिए हवाई जहाज से आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, नंगे पैर आएंगे, मोटरसाइकिल पे आएंगे, गाड़ी पे आएंगे, आएंगे कैसे वो तो बताए, सड़क पे कब आएंगे? खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल से भरत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।